हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर बैठे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है या वर्चुअल आईडी डालना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप आधार नंबर डालना चाहते हैं तो आपको आधार वाले पर टिक करना है। यदि आप वर्चुअल आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल वाले के सामने टिक करना है। तो फ्रेंड्स, हम आधार नंबर डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आधार वाले के सामने टिक कर दिया हूँ और यहाँ पे आपको नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ पे जो हमारे आधार कार्ड में नाम लिखा वो डाल दिया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको उन्हीं का आधार नंबर डालना है जो आपके घर के मुखिया हो, यानी कि उन्हीं के नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो घर के मुखिया है उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ और उनका नाम डाल दिया हूँ जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को आपको बारी बारी से फिल करना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपना राज्य का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। राज्य का नाम सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी आप जिला से बिलोंग करते हैं अपने जिला का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिटी शहर का नाम सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका सिटी शहर पड़ता है अपना सिटी शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं। तो दोस्तों, यदि आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो आपको नो पे टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे परिवार का मुखिया है, यानी कि हम जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है मेल पेमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है। दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे फादर का नाम डालना है और यहाँ पे जो परिवार के मुखिया है यानी कि जिसके नाम से हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जितना एज है यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले आपको अपना मकान संख्या यहाँ पे डालना है। इसके नीचे आपको गली मोहल्ले का नाम डालना है। इसके नीचे आपको अपना शहर का नाम सेलेक्ट करना है। शहर का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे स्टेट का भी नाम ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे जिला का भी नाम ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। इसके नीचे आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। दोस्तों, आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे आना है राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको इस बॉक्स को टिक नहीं करना है। इधर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अपना एड्रेस डाल देने के बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास में यानी कि जो जिनके नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका एक आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाना है। तो डॉक्यूमेंट कोई भी आप इसमें दे सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जिससे कि हमने यहाँ पे वोटर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हम वोटर कार्ड संख्या डालेंगे। इसके नीचे आपको आना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रम संख्या डालना है और इसके बाद नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन जो भी है वो डालना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एज डालना है और उनका आधार नंबर डालना है, यानी कि जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है और उनका भी एक आईडी प्रूफ इसमें डालना है। दोस्तों, और भी पर्सन का नाम ऐड करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक और बॉक्स खुल जाएगा और उनका भी डिटेल इसी तरह से फिल कर देना है। और आपके फैमिली में जितना भी लोग हैं इसी तरह से आपको ऐड पे क्लिक करके और भी इसमें रो और कलम बढ़ता जाएगा तो उनका भी नाम आपको इसमें ऐड कर देना है। इसके नीचे आपको धर्म पूछ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करना है, जिस पे आप जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
इसके नीचे आना है। दोस्तों यदि आप किसी तरह से विकलांग है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। दोस्तों इसके नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके परिवार का आपका भारत में कहीं और भी घर है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। इसके नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट हाउस ऑनर आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप किसी के मकान में रहते हैं तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है, नहीं तो यदि आपका खुद का मकान है तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ओपिकेशन सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं, जो भी है बिजनेसमैन जो भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो परिवार का औसत आय है यहाँ पे आपको डालना है, जितना भी है यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके नीचे आपको आना है। दोस्तों यदि आप टर्म एंड कंडीशन यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है टर्म एंड कंडीशन का, इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा जो दिया गया है इमेज में, इस कैप्चा को यहाँ पे सेम टू सेम फिल करना है। कैप्चा को फिल कर देने के बाद, सभी डिटेल फिल करने के बाद एक बार आपको दोबारा से इसको चेक करना है कि आप इसमें जो भी डिटेल फिल किए हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो इसको आपको सुधार कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सेव का जो बटन मिल रहा है, सेव सुरक्षित, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सके। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट करके हम बताइएगा, हम आपको बता देंगे किस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सबको बता दूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।